रखा गया है अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर निर्माण के लिए। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के सम्माननीय कार्याध्यक्ष साहेब श्री आलोक कुमार जी और हमारे दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री कपिल खन्ना जी, दोनों बंधुओं का दिल की गहराइयों से सम्मान करते हुए और उपस्थित भी धर्म बंधुओं, माता और बहनों का दिल की गहराइयों से भगवान गुरु रविदास मंदिर नानकपुरा के इस पावन प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा उस दिशा में, उस अतीत में जब संवत 1433 को भगवान गुरु रविदास जी ने मां कर्मा की पावन कोख से जन्म लिया। उनके जीवन काल से प्रारंभ से लेकर के और उनके 151 वर्ष तक की अवस्था तक इतने सारे उनके जीवन के अनुभव अगर उनको विस्तार से आपके बीच रखूं तो बड़ा समय चाहिए, लेकिन मैं संक्षेप में आपके बीच दो बातें यहां रखना चाहूंगा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी ने 644 वर्ष अब उनको होने जा रहे हैं, उनकी जयंती 27 फरवरी को 644वीं जयंती होगी। 600 वर्ष पहले उनके मुख से कहे हुए जो शब्द हैं उनकी प्रासंगिकता आज भी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है। गुरु रविदास जी जब इस शरीर में इस भारत भूमि के पावन धरातल पर अवतरित हुए उस समय के चारों वर्गों ने, उस समय के दोनों दीनों ने उनका भारी सम्मान किया, सत्कार किया, क्योंकि उनके जो विचार हैं, उनके जो आदर्श हैं, वो मानव को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये समता समरसता और समता मूलक समाज की ओर गुरु रविदास जी का एक बहुत बड़ा संदेश। जब मानव मानव से अलगाव करता था तब गुरु ने हम लोगों को मिलजुल कर रहने की नसीहत दी, सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधु मखीरा, मधुमक्खियों की भांति हमको मिलजुल कर रहने की नसीहत गुरु रविदास जी ने दी है। आज उनके इस वाक्य को घर घर तक लेकर जाने की जरूरत है। हम मधुमक्खियों की भांति आपस में मिलजुल कर रहे सभी देशवासी, हमारे बीच में जाति, हमारे बीच में क्षेत्र, हमारे बीच में भाषा, हमारे बीच में नस्ल आदि का किसी भी प्रकार का कोई बंधन हमें बांध ना पाए। गुरुजी ने जब देखा कि हमारा देश ये भारत माता प्रतंत्रता की जंजीरों में जकड़ी है तो उस समय उन्होंने हमारे नौजवानों के सोए हुए स्वाभिमान को जगाने का काम किया। पराधीनता पाप है जान ले उरे मीत, रविदास दास पराधीन को कोई ना करत है प्रीत। उन्होंने खाली भक्ति की बात नहीं की है, उन्होंने हमारे स्वाभिमान को भी जगाया। पराधीन को दीन नहीं, पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को माने हैं सभीन। आज हम अगर आजादी की सांस ले रहे हैं जिसमें अनेकों हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान खफाई, निश्चित रूप से उन्होंने भगवान गुरु रविदास जी के इन पावन संदेशों को आत्मसात करके भारत माँ को अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दी। इसलिए बहुत सारी बातें उनके जीवन से संबंधित हैं, लेकिन क्योंकि समय इजाजत नहीं देता, जल्दी यहां से आपको अगले कार्य के लिए निकलना है, तो आइए मैं गुरु रविदास जी के श्रीमुख से उच्चारण पावन वाणी, अमृत वाणी, जो हम कलियुगी जीवों का सहज कल्याण का एक कारक है, वो औषधि है, आओ मिलकर इस औषधि का रसपान करें।
जाती ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा राजा राम की सेवना कीनी कहे रविदास चमारा मेरी जात कमीनी पातु कमीनी ओछा जन्म हमारा तुम शरणागति राजा रामचंद्र कहे रविदास चमारा अब कैसे छूटे राम नाम रथ नागी 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 राम नाम रथ नागी राम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जति अंगत बास समानी जति अंगत बास समानी अब कैसे छूटे राम नाम रथ नागी अब कैसे छूटे राम नाम रथ नागी राम नाम रथ नागी राम नाम रथ नागी अब कैसे छूटे राम नाम रथ नागी अब कैसे छूटे राम नाम रथ नागी छूटे राम नाम रत नागी
यह वाक्या उस समय का है जब काशी सम्राट के दरबार में गुरुजी का शिकायत की गई है। धर्म बंधुओं, वो ऐसा समय था जब शूद्र समाज में पैदा होने वाला कोई व्यक्ति अगर परमात्मा का नाम लेता था तो उसको बाधाएं, उसको रुकावटें, उसका बड़ा जबरदस्त इम्तिहान लिया जाता था। और जब कभी आपको काशी जी जाने का अवसर मिले तो जहां केवल राजाओं को स्नान करने का अधिकार था, गंगा के उस घाट का नाम राजघाट है, वहां काशी सम्राट की उपस्थिति में संत गुरु रविदास जी को बुलाया गया और वहां उनको कहा गया कि तुम तो निम्न जाति में पैदा हुए हो और तुम क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाले राम का नाम लेकर के हिंदू धर्म का अपमान करते हो, ऐसा तुम्हें हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो गुरु रविदास जी ने कहा कि ये तुम्हारी असोच के परिचायक हैं शब्द। परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्व एक अनेक के स्वामी, सबघट भोग में सोई, कह रविदास हाथ पे नेरे सहजे हुए सो होई। परमात्मा सर्वव्यापक है, तो राजा ने दोनों ही पक्षों का इम्तिहान लिया, ब्राह्मणों का भी और गुरु रविदास जी का भी, और इम्तिहान में शर्त रखी कि तुम जिस भी भगवान की पूजा करते हो, ठाकुर की पूजा करते हो, जिसका भी ठाकुर गंगा पर, गंगा के पानी पर तैर जाएगा, मैं उसी को समझूंगा कि भगवान का सच्चा भक्त है। और सबसे पहले ब्राह्मणों को आमंत्रित किया राजा ने, और जब उन्होंने अपने ठाकुरों को उसमें छोड़ा
मैं प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं, लेकिन जो मैंने संत गुरुओं के चरणों में बैठ के सुना और पढ़ा, बताते हैं कि वो ठाकुर जो मूर्तियां हैं वो पानी में डूब जाती हैं। और कुछ समय के बाद बादशाह ने कहा कि संत जी क्या तुम अपनी बात पर कायम हो कि परमात्मा सर्वव्यापक है? तब गुरु रविदास जी ने कहा, बादशाह मैं कायम ही नहीं, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि परमात्मा सर्वव्यापक है, केवल मुझे एक मौका चाहिए। इस देश में बड़ी बड़ी प्रतिभाएं आती हैं, लेकिन मौका ना मिलने के कारण वो प्रतिभाएं दब करके रह जाती हैं। भगवान गुरु रविदास महाराज के इन शब्दों को सुन करके राजा को मन में अंदर बड़ा उत्साह पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि आपको वक्त देती है, दिया जाता है, अवसर दिया जाता है, आप सिद्ध करके दिखाओ परमात्मा को। तो संत गुरु रविदास जी ने, जिनके बगल में एक थैला लटका हुआ है, लेकर के उसको जब माँ गंगा के आंचल पर अपना पहला ही कदम रखा, मानो वो मोक्ष दायिनी इस ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष के चरणों को स्पर्श करने का प्रतीक्षा कर रही थी, वो कल कल की आवाज से संत गुरु रविदास जी का अभिनंदन करने लगी। बादशाह उस दृश्य को देख कर भौचक रह गया, लाखों की तादाद में खड़ी हुई पब्लिक वहां भौचक रह गई। और जब पानी संत गुरु रविदास के घुटने तक आया तो वो वहीं पर रुक जाते हैं। भारत के इतिहास में हमारे शूद्र समाज के लिए वो स्वर्णिम दिन था जब हमारे मानवीय अधिकारों की लड़ाई संत गुरु रविदास जी लड़ रहे हैं। हमें पानी, हमें गांव के गंदे तालाबों में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था, ऐसा भी कोई वक्त होगा? यहाँ गंगा के अंदर कुत्ता स्नान कर सकता था, लेकिन गांव के गंदे पानी के अंदर यहाँ का शूद्र स्नान नहीं कर सकता था। वह एक ऐसी जगह आपने सुनी है, संत गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने इस राष्ट्र को सशक्तिकरण दिया, मजबूती दी, हमें मधुमक्खियों की तरह आपस में मिलजुल कर रहने की नसीहत दी। आज उसी मिशन को हमारे सदगुरु स्वामी नंजन दास जी महाराज, गुरु महाराज जी के जन्म स्थान मंदिर पर बैठकर के काशी में, वही हमारे लिए संदेश देते हैं। सब धर्मों का सम्मान करो, सब व्यक्तियों का आदर करो, सबको अपने साथ जोड़ो और सबके साथ जुड़ करके आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ने का मौका दो। धर्म बंधुओं, संत गुरु रविदास जी महाराज ने अपने बगल में टंगे हुए थैले को हाथ में लिया और उसमें से एक पत्थर निकाला। उनके हाथ के पत्थर को देख करके तमाम लोग ठाके मार के हंसने लगे कि हमारी छोटी छोटी मूर्तियां डूब गई, इसकी ये शिला कैसे तरेगी? तब संत गुरु रविदास जी से राजा ने पूछा कि क्या यही तुम्हारे भगवान है? तब उन्होंने कहा, हाँ बादशाह, रविदास होने जब नहीं राखो रामी यार, सुकृत ही मम धर्म है, वो तारे का भव पार। मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है। और उन्होंने परमात्मा का आवाहन किया, राम गोसैया जी के जीवना वही ना विसारो मैं जन तेरा। इनके साथ तो लाखों लोग हैं इस घाट पर, लेकिन मेरे साथ मेरे समाज का कोई नहीं है। मेरा तू ही रखवाली है, तू ही हिमाती है, तू ही मेरा सच्चा साथी है। मेरी संगत को सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को माती, मेरी हरो विपत्ति जन करो सहाई, चरण ना छाणू शरीर गल जाई, चाहे इस गंगा में खड़े खड़े मेरा शरीर क्यों ना गल जाए। कह रविदास परो तेरी साभा, वेग मिलो जन कर ना विलंबा। साहब, जिस आत्मिक राम का वर्णन कर रहे थे अभी गोस्वामी जी के शब्दों में, एक अन्य अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रदामा, संत गुरु रविदास जी महाराज ने उस घट घट वासी उस परम पिता परमात्मा का आवाहन किया, राम गोसैया जी के जीवना मोहि न विसारो मैं जन तेरा। अनंत जीवों को जीवन प्रदान करने वाले हे रमैया राम, तेरे चरणों में बेनती है मेरी भी लाज बचा। कह रविदास परो तेरी सामा, वेग मिलो जन कर न विलंबा। अगर तू प्रहलाद की लाज बचाने के लिए खम्भ में प्रकट हो सकता है, संत कबीर की लाज बचाने के लिए सत्संग में प्रकट हो सकता है, तो आज कबीर रविदास जी की लाज बचाने के लिए तुझे गंगा में प्रकट होना होगा। उसने पत्थर की उस शिला को मां गंगा के आंचल पर रखा, मानो वो मोक्षदायिनी उसको झुलाने का प्रतीक्षा ही कर रही थी। पानी के अनुकूल दिशा को पत्थर की शिला तैरने लगी। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। बादशाह जो क्षत्रिय कुल में है, हरदेव सिंह, अंदर जाकर के संत को अपने हाथों से स्नान कराते हैं, बाहर निकाल कर उनको नए चोले पहनाते हैं, अनमोल हीरे मोतियों का जड़ा हुआ छत्र उनके माथे पर बांधते हैं, सोने की पालकी में गुरु रविदास जी को बिठाकर
उनकी शोभा आया कि समर्पण निधि का जो कार्यक्रम है यह 27 फरवरी 2021 को संत भगवान गुरु रविदास महाराज के जयंती अवसर वाले दिन ये समापन होगा। ये समाज और राष्ट्र को जोड़ने के जो कार्य चल रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक शब्द गुरु जी का पढ़कर इस जो ये कार्यक्रम है यहाँ का, क्योंकि गुरु जी की वाणी का एक एक शब्द आपको बहुत प्रिय लगेगा, लेकिन आइए एक और शब्द पढ़कर के मैं वाणी को विराम दूंगा। रविदास जपे राम नामा मोहे जम सोना है कामा, कहे रविदास सबे जग लूटिया हम तो एक राम कहे छूटिया। जन रविदास राम रंग राता ये गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। हो बंजारो राम को सहज करूं व्यापार, मैं राम नाम धन ला दिया बिखुला दी संसार। नाना ख्यान पुराण वेद विद 34 अक्षर माही, व्यास विचार कहो परमारथ राम नाम सर नाही, राम नाम सर नाही। तालियों की भी आवाज आनी चाहिए ना, और रसना पवित्र करिए गुरु जी की वाणी से। जाके राम जी धनी ताके काहे की कमी, 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 काहे की कमी वाके काहे की कमी, काहे की कमी वाके काहे की कमी, जाके राम जी धनी जाके राम जी धनी जाके काहे की कमी। मनसा को नाथ मनोरथ पुरीवा, मनसा को नाथ मनोरथ पुरीवा, सुख निधान की कहा दिनी, सुख निधान की कहा दिनी, जाके राम जी धनी वाके काहे की कमी, जाके राम जी धनी वाके काहे की कमी, जाके राम जी धनी वाके काहे की कमी, जाके राम जी धनी वाके काहे की कमी। कृपण की माया कवन काज कृपण की माया, करत फिरत अपनी अपनी, करत फिरत अपनी अपनी, जाके राम जी धनी वाके काहे कमी, जाके राम जी धनी वाके काहे कमी, जाके राम जी धनी वाके काहे कमी, जाके राम जी धनी
नारे जाने खाए ना सके खर्ची नाए जानी खाए ना सके खर्च ना जाने खाए ना सके खर्च ना जाने जो भुवन सिर रह की बनी जो भुवन सिर रह की बनी जग राम जी धनी वाके खाए की कभी जग राम जी धनी वाके खाए की कभी जग राम जी धनी रे वाके खाए की कभी जग राम जी धनी ये सतगुरु रविदास जी ने हम कलयुगी जीवों के लिए भरोसा दिलाया कि परमात्मा वो परवरदिगार आलम वो दुनिया का मालिक जब रहवर आपके साथ है तो फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मनसा को नाथ मनोरथ पूर्वा वो हमें मन चित वरदान प्रदान करता है, वो हमारे मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली शक्ति है। हमें चार पदार्थ उन्होंने दिया, 18 सिद्धियां प्रदान करता है और सुखों की कोई उसके आंगन में गिनती नहीं है। अनंत सुख है परमात्मा की झोली में। कवन काज किरपन की माया, कंजूस की वो दौलत किस काम की, करत फिरत अपनी अपनी, जिसे वो अपनी अपनी कहकर फूला नहीं समाता, खाए ना सके खर्च ना जाने, जो भुवन सिर रहत मनी है, ना खा सकता ना किसी परमार्थ के कार्य के लिए वो दूसरों को दे सकता, वो मणिधारी नाग की तरह उस माया को अपने सर पे रख करके जिंदगी भर बोझा मरता है। इसलिए गुरुजी ने कहा इस माया को परमार्थ में लगाओ, धर्म के काम में लगाओ, ये दिन दुगना बढ़ेगी रात चौगना बढ़ेगी। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। खाए ना सके खर्च ना रे जाने खाए ना सके खर्च ना रे जाने जो भुवन सिर रह की बनी जो भुवन सिर रह की बनी जग राम जी धनी वाके खाए की कमी जग राम जी धनी वाके खाए की कमी जग राम जी धनी वाके खाए की कमी जग राम जी धनी रखवारे को चक्र सुदर्शन रखवारे को चक्र सुदर्शन विघन न व्यापे रोग छिनी विघन न व्यापे रोग छिनी जग राम जी धनी वाके खाए की कमी 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 शिवशन का दिक पार न पायो शिवशन का दिक पार न पायो इस नाम की जिस दिन मैं उपमा गा रहा हूँ शिवशनक आदि भी धरती पर आए वो भी इसकी महिमा का पार ना पा सके। बेअंत है अपार है शिवशन का दिक पार न पायो शिवशन का दिक पार न पायो मो बपुरे की कहा गिनी मोय बपुरे की कहा गिनी जग राम जी धनी वाके खाए की कमी जग राम जी धनी वाके खाए की कमी जिसकी महिमा का पार शिवशनक आदि न पा सके हो मो बपुरे की कहा गिनी मैं कौन बेचारा
मेरी कौन गिनती है, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, गुरु जी ने क्या कहा शब्द की अंतिम लाइन, जाकी प्रीत निरंतर हरि सो, जाकी प्रीत निरंतर हरि सो, बने सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय, जाकी प्रीत निरंतर हरि सो, 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 कह रविदास वाकी सदा ही बनी, कह रविदास वाकी सदा ही बनी, जाके राम जी धनी वाके कहे की कमी, जाके राम जी धनी वाके कहे की कमी, कहे की कमी रे वाके कहे की कमी, कहे की कमी रे वाके कहे की कमी, जाके राम जी धनी 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 वाके कहे की कमी, वाके कहे की कमी, वाके कहे की कमी, ओ वाके कहे की कमी, जाकी प्रीत निरंतर हरिसों, कहे रविदास वाकी सदा ही बनी। भरोसा करें गुरु जी के इन पावन शब्दों पर, आपने सुंदर मानव चोला पाया है और ये मानव चोला भक्ति और परमार्थ से ही अलंकृत होता है और इसी का संदेश हमें हमारे गुरु जी ने दिया। एक बार आप सभी के यहाँ पुनः पधारने पर श्री गुरु रविदास मंदिर नानकपुरा के इस पावन प्रांगण में बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आपने अपने जीवन का अनमोल समय निकाल करके जो इस रास्ते के लिए दिया, परमात्मा आपके साक्षी आपको दीर्घायु निर्विघ्न जीवन और उज्जवल भविष्य दे। जैसा कि साहब ने आपको बताया, आपने पीछे देखा श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर तुगलकाबाद, आपसे वो बात किसी से छुपी नहीं है जो हो गया पीछे, लेकिन अब सरकार की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सानिध्य में जो कमेटी का गठन हुआ है, साहब ने सबसे पहले हम लोगों को अपने पास बुला करके शहरी विकास मंत्रालय में विश्वेंदु परिषद के लेटर पैड पर ये बात लिखी कि सरकार ने गुरुजी का 509 वर्ष पुराना मंदिर तोड़कर, डीडीए ने वो मंदिर तोड़कर गलती की है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि गुरुजी के मंदिर का वहां निर्माण किया जाए। माननीय आलोक कुमार साहब के शब्द थे, मुझे आज भी वो शब्द एक एक शब्द याद है। और साहब ने हमसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, तो हमने साहब को कहा कि जो हमारे 96 बच्चे 307 और देशद्रोह जैसे मुकदमे लगाकर जेल में डाले गए हैं, उन बच्चों की कुशल रिहाई हो और उनके मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापिस लिए जाए। सरकार के द्वारा ऐसा काम शोभा नहीं देता, हम गरीबों के साथ अगर ऐसा जुल्म अत्याचार होगा तो बाहर क्या संदेश जाएगा देश विदेशों में। साहब ने कहा कि ये बात मान्य है और तत्काल प्रभाव से इस बात को माना जाता है कि बच्चों को बाइज्जत बरी किया जाएगा। और हमारी कमेटी ने दूसरी मांग की थी कि भगवान गुरु रविदास जी का जो मंदिर टूटा है, जिस पर बुलडोजर संतों की समाधियों पर चलाया गया है, गुरु जी का वो 509 वर्ष पुराना मंदिर फिर वहीं स्थापित हो और संतों की समाधियां भी वहां भव्य रूप से बनाई जाए और गुरु जी का जो चमार वाला जोहड़ गुरु रविदास सरोवर है वो भी वहां पर पुनर्स्थापित किया जाए। तो साहब ने कहा कि ये जनहित और राष्ट्रहित और विश्वहित की बातें हैं, इसमें आपका व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है, इसलिए तत्काल प्रभाव से सरकार पर हम दबाव बनाएंगे कि वो इन तीनों मांगों को माने। और उस समय जो आपने वादा किया था आप अपने वादा को पूरा कर गए, आपने तीनों चीजों को वहां पर पूरा कराया सरकार की ओर से। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारे पूजनीय सद्गुरु स्वामी निरंजनदास महाराज जी के पावन मुबारक चरण जल्दी ही दिल्ली में मार्च के महीने में पड़ेंगे और उनके करकमलों से 5 ईंट भगवान गुरु रविदास मंदिर के नाम की रखवा करके हम सब लोग उस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग करेंगे। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय, सब संत समाज की जय, भक्त
दरबार भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जय गुरुदेव धन गुरुदेव सतनाम सतनाम सतनाम।